सोलन के पीजी कॉलेज में एसएफआई ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि एसएफआई पिछले 5 वर्षों से छात्र हितों को लेकर अपनी मांगें प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन के समक्ष रख रही है, लेकिन उनकी मांगों को बिल्कुल अनसुना किया जा रहा है। यहां तक कि अध्यापक भी एबीवीपी के साथ मिलकर छात्र राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, जो सरासर गलत है, जिसे वे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एसएफआई के सचिव राहुल ने रोष जताते हुए कहा कि उनका संगठन पिछले कई वर्षों से एससीए चुनावों की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पानी की भारी कमी है, कॉलेज को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला पथ कच्चा पड़ा है, उस पर टायरिंग नहीं की जा रही है, विद्यार्थियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। एसएफआई कार्यकर्ताओं को पिछले 5 वर्षों से निष्कासित किया है। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को 5 दिन में ही नियमों को दरकिनार कर बहाल किया गया है, जो सरासर गलत है। जो ऐसे चुनाव है वो भी बहाल होने चाहिए, और स्टेट के अंदर जो बसेस की डिमांड है वो भी लगनी चाहिए, और इसके अलावा जो अदर डिमांड्स है हमारी कॉलेज की, जो हम डिमांड्स कर रहे हैं कि निचले गेट से ऊपले गेट तक रोल मेटल होनी चाहिए। जो 3-4 सालों से यहाँ पर अध्यापकों के रिक्त पद है, 3-4 सालों से ईवीएस का पद जो खाली पड़ा है, यहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं है। अगर हम नीचे वोकेशनल में देखें, बी वॉक में देखें, वहाँ पर डिमांड करी है एसएफआई की कंप्यूटर, उसके अलावा प्रोजेक्टर लगाए जाए। चिंतपूर्णी में श्रवण नवरात्र मेलों का आगाज हो गया है। ये श्रवण मास के नवरात्रे 10 दिनों तक चलेंगे। इस दौरान चिंतपूर्णी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। माता रानी के नवरात्रों के लिए सभी तैयारियां मंदिर प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली है। नवरात्रों के पहले दिन ही माता रानी की पवित्र पिंडी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। नवरात्रों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा माँ के भक्तों को पर्ची सिस्टम के जरिए ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा मेले के दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर न्यास द्वारा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पहले दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माता की पवित्र पिंडी के दर्शन किए। भारी बरसात के बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। इस बार मेले को 10 सेक्टर में बांटा गया है। मेले को लेकर धारा 144 भी लगा दी गई है, और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए इस बार चिंतपूर्णी बैरियर से मंदिर तक श्रद्धालुओं को मालवाहक वाहनों से उतारकर उन्हें बस से मंदिर तक फ्री बस में भेजा जा रहा है, ताकि मेले के दौरान कोई हादसा न हो सके। एएसपी ऊना विनोद कुमार ने कहा कि बारिश के बीच भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सर, जो ओवरलोडिंग वाहन है वो कई बार हादसों को नौता देते हैं, इस बार मेले में इस बार क्या जो तब्दील है? ओवरलोडिंग में पुलिस ने इस बार गगरेट पे और महतपुर जो हमारे एंट्री पॉइंट है उसमें पहले से ही नाका 27 और 28 तारीख से लगा दिया था, और ओवरलोडिंग वाहन जितने भी आ रहे हैं गुड्स कैरियर व्हीकल जिसमें पिलग्रिम्स श्रद्धालु आते हैं उनको वहीं पे रोका जा रहा है, और जो प्रशासन ने शटल बसें प्रोवाइड की हैं उनमें उनको चिंतपूर्णी ले जाया जा रहा है, और जो मालवाहक वाहन है उनको वापस भेज दिया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान ना हो। श्रद्धालुओं की माने तो माता चिंतपूर्णी श्रद्धालुओं की चिंताएं दूर करती है और सभी मन्नतें पूरी करती है। राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आज कॉलेज के सभागार में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों और संस्था स्काय के साथ नए छात्रों के साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। समारोह में छात्रों और उनके माता पिता को संस्था के साथ परिचित करवाया गया था।
तथा छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल चौहान ने छात्रों और अभिभावकों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि नव प्रवेशित छात्र सक्षम डॉक्टर के रूप में विकसित हों। उन्होंने कहा कि छात्रों को समय का पाबंद, अनुशासित व अपने शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। साथ ही उनका व्यवहार विनम्र होना चाहिए और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी की सदस्य सचिव प्रियंका तांगरी, बायोकेमिस्ट्री विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर ने रैगिंग पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि इस संस्थान में किसी भी रूप में रैगिंग के लिए शून्य सहिष्णुता है। उन्होंने निकाय और नव प्रवेशित छात्रों और उनके माता पिता को रैगिंग के खिलाफ प्रतिज्ञा भी दिलाई। फिजियोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बताया कि मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने नए मेडिकल छात्रों के लिए इस वर्ष एक महीने का एक लंबा फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है ताकि उन्हें ये जानकारी दी जा सके कि वे अगले 4.5 वर्षों तक क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने कौशल को विकसित करने के लिए अंतर व्यक्तित्व संबंध, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा और समाज के सभी स्तरों के छात्रों के लिए एक स्तर का मैदान प्रदान करने के लिए तैयार है। संस्था में फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर रितु सिटिक की अध्यक्षता में एक यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया। रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और हेड विभाग के डॉक्टर पीके सोनी ने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया जिसे जल्द ही संस्था शुरू करने जा रही है। छात्रों के प्रतिनिधियों स्वास्थ्य और के अपने अनुभव साझा किए। नव प्रवेशित बैच में से 2 छात्रों ने भी इस अवसर पर बात की। माता पिता, शिक्षक संघ पीटीए के सदस्यों को चुनाव करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई जिसमे अंजू शर्मा अध्यक्ष, डॉक्टर मदन लाल सचिव, डॉक्टर कुसुम शर्मा संयुक्त सचिव सदस्य के रूप में, तारा सिंह, अरुण राणा तथा संजय राणा को सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के रूप में चुना गया। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर और शारीरिक विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर आर एस शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।